Assalamu alaikum. Hope you are doing great. Today video topic is how to reactive denied gig. जब आप अपनी gig को देखते हैं काफ़ी अर्से बाद के वो denied हो चुकी है तो उसको reactive कैसे किया जाए इस video में हम discuss करेंगे. जब आप ज़्यादा अरसे के लिए अपनी gig को log in नहीं करते या अपने Fiverr के account को log in नहीं करते तो आपकी gigs denied हो जाती हैं और account deactivate हो जाता है या disable हो जाता है. अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और अगर आपकी गिग डिनाइड हो चुकी है तो आपने सिंपली गिग को ओपन करना है. गिग को ओपन करने के बाद आपने एडिट गिग पर क्लिक करना है. यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी गिग एडिट गिग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली कुछ ना कुछ इसमें एडिट कर देना है. जैसा कि हम इस गिग में कुछ एडिट कर देते हैं और जब हम एडिट कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक कॉमा लगा देते हैं. सिंपली कुछ ना कुछ एडिशन या कुछ रिमूव करना है और इसके बाद आपने सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है. जब आप अपनी गिग को सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये गिग सेव हो रही है. अभी ये गिग सेव हो गई है तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गिग ऑलमोस्ट एक्टिव हो चुकी है. अगर एक्टिव नहीं हुई तो कुछ ही सेकेंड्स में एक्टिव हो जाएगी. यहाँ पर हम सेलर डैशबोर्ड में से जाकर फिर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिग एक्टिव हो चुकी है. एक और डिनाइड गिग पड़ी हुई है, हम उसको भी एक्टिव करके देखते हैं. तो यही तरीका है दूसरी गिग को भी एक्टिव करने का. आपने सिंपली गिग के ऊपर क्लिक करना है. गिग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एडिट गिग पर क्लिक करना है. जब आप एडिट गिग पर क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली कोई ना कोई एडिशंस वगैरह कर देनी है. आप सिंपल एडिट करें और इसको सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दें. जब आप गिग को सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही देर में एक्टिव हो जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी गिग्स एक्टिव हो चुकी हैं. जी यहाँ आपने जब सेलर को एक मरतबा रिफ्रेश पेज को करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी गिग एक्टिव हो चुकी हैं और डिनाइड का ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी कोई गिग डिनाइड में नहीं पड़ी इसलिए डिनाइड का ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है. तो इस तरह आप अपने अकाउंट की गिग्स को रिएक्टिव कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.